आज हम पनीर दो प्याज़ा बनाएंगे। ये सब्जी बनाने में भी बहुत आसान है और जब इसको खाते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए हम अपनी सब्जी बनाते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो हम उसमें साबुत मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी, साथ में हरी मिर्च और दो लाल मिर्च। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। सबको डालकर हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को काट कर उनको इस तरह से कर लिया है। ये देखिए, अलग अलग कर लिया है। अब हम इसको डालकर 5 मिनट भूनेंगे। देखिए, प्याज अब भून गया है। मैंने इसे तेज गैस पर ही भूना है। तो अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से पीस कर उनका पेस्ट बना लिया है। टमाटरों को भी हमें तेज गैस पर ही प्याज के साथ भूनना है। ये देखिए, टमाटर भी अब अच्छे से भूनने लगे हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इन सब मसालों को डालकर अब अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम पे हम फ्लेम अपनी थोड़ा स्लो कर लेंगे। ये देखिए, मसालों ने अब तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे और इसे जल्दी से मिक्स करेंगे। अब ये सब सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है तो हम इसमें अपना पनीर ऐड करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम पनीर काटकर इस तरह से कर लिया है और पनीर डालकर हम अब सब्जी को अच्छे से मिलाएंगे। अब सब्जी को हम 5 मिनट ढक कर और पकाएंगे। ये देखिए, अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। मैंने इसको ढककर 5 मिनट पकाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, हमारा पनीर प्याज़ा अब बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है। थैंक यू।